नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हर्बल एफ न्यूट्रिशन के S24 हाइड्रेट न्यूट्रिशन को। हाइड्रेट न्यूट्रिशन के बेनिफिट, यूजेस और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए थी वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने सवाल आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग पूछे हुए हैं उसे भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है, S24 हाइड्रेट न्यूट्रिशन, यहाँ पर ये हाइड्रेट न्यूट्रिशन लिखा हुआ है। ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, यहाँ पर ग्रीन आपको लोगो देखने को मिल जा रहा है, सिंबल देखने को मिल जा रहा है, मतलब आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट न्यूट्रिशन के अंदर आता है। आपको पता है कि स्पोर्ट न्यूट्रिशन के अंदर हर्बल लाइफ के दो न्यूट्रिशंस हैं, एक है रिबिल्ड स्ट्रेंथ और एक है हाइड्रेट न्यूट्रिशन। तो अभी हम लोग वीडियो में कवर कर रहे हैं हाइड्रेट न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम लोग देखिए इससे आपकी बॉडी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कवर हो रहे हैं, कौन कौन से एसेंशियल्स विटामिन्स कवर हो रहे हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें हाइलाइटेड पॉइंट्स में दिख रहा है, ये जो हाइड्रेट न्यूट्रिशन है ये डेवलप्ड किन के द्वारा किया है, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हाइड्रेट न्यूट्रिशन को डेवलप किया गया है। यदि हम बात करें इसके 5 एसेंशियल विटामिन्स की, तो इससे आपको कौन कौन से एसेंशियल्स विटामिन्स मिल रहे हैं, विटामिन B1 मिल रहा है, B2 मिल रहा है, B5 मिल रहा है, B12 मिल रहा है और विटामिन C मिल रहा है। ठीक है, 5 एसेंशियल्स इलेक्ट्रोलाइट्स की यदि मैं बात करूं तो इससे आपको मिल रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। ये आपके 5 एसेंशियल्स जो है इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी कवर हो जा रहे हैं। अब हम लोग बात करें तो इसको हम लोग वाटर के में ऐड करके लेते हैं। इसमें जो मेन चीज़ें जो आप लोगों ने पूछी हुई है न्यूट्रिशन वैल्यू की, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, तो हम लोग न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेते हैं जिससे आपके जो डाउट्स हैं न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है, वैल्यू के रिगार्डिंग, वो आपके पहले क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर दी हुई है हाइड्रेट न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसकी हम सर्विंग साइज की बात करें तो इसमें जो एक पैकेट है वो 5 ग्राम का आता है ना। ऐसे 20 पैकेट्स आपको बॉक्स में अवेलेबल है, 5 ग्राम्स के 20 पैकेट्स अवेलेबल, मतलब टोटल यदि हम बात करें तो 100 ग्राम्स का आपको मिल जाता है ना। 20 पैकेट्स है, 5 ग्राम्स का पर पैकेट है और 20 पैकेट्स इसमें अवेलेबल है। ठीक, इसमें हर एक पैकेट जो 5 ग्राम का है उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं वो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसका एक पैकेट लेते हैं जो 5 ग्राम का है, इसको लेने से हमारी बॉडी में एनर्जी कितनी मिलेगी हमको, 14.04 किलो कैलोरी मिलेगी। ठीक है, हम कैलोरी नॉर्मल टर्म्स यूज करते हैं, एक्चुअल में किलो कैलोरी इसको कहा जाता है। एनर्जी जो है वो 14.04 किलो कैलोरी है, जो RDA परसेंटेज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से हमारा दिन भर की 1% का कवर करती है एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन ना के बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू 0.001 ग्राम है, जो 0% जो है, मतलब ना के बराबर आपको इससे प्रोटीन मिल रहा है। ठीक, बात करें कार्ब्स की तो टोटल कार्बोहाइड्रेट जो है इससे 3.50 ग्राम आपको मिल रहा है। शुगर की हम बात करें तो शुगर 0.004 ग्राम है, जो ना के बराबर ही है। डाइट्री फाइबर की यदि हम बात करें तो इससे आपको 0.75 ग्राम जो है डाइट्री फाइबर मिल रहा है, जो डेली का 2% जो है वो आपका कवर करके दे रहा है। बात करें फैट्स की तो इससे आपकी बॉडी को फैट क्या मिल रहा है, 0.00 ग्राम जो है फैट आपको मिल रहा है, मतलब फैट भी नहीं मिल रहा है आपको, शुगर भी ना के बराबर है और प्रोटीन भी ना के बराबर है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स का पोर्शन हम समझ लें कि कौन कौन से विटामिन मिल रहे हैं। विटामिन का देख लेते हैं हम लोग कि विटामिन जो है इससे आपकी बॉडी को विटामिन कौन कौन से मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन B1 मिल जा रहा है आपको, B2 मिल जा रहा है आपको, B12 मिल जा रहा है, विटामिन C मिल जा रहा है और B5 मिल जा रहा है। यही इसके सामने जो है केमिकल नेम दिए हुए हैं, जैसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, राइबोफ्लेविन B2 क्या कहते हैं, तो ये सामने इसके केमिकल नेम भी दिए हुए हैं। यदि हम देखें तो विटामिन B1 आपको कितना मिल रहा है इससे, तो 0.20 मिलीग्राम आपको इससे मिल जा रहा है, जो 14% डेली का कवर करता है। ठीक है, विटामिन B2 कितना मिल रहा है, विटामिन B2 भी जो है आपको 0.20 मिलीग्राम मिल जा रहा है, जो 13% जो है वो डेली का कवर कर रहा है। विटामिन B12 की बात करें तो 0.50 माइक्रोग्राम मिल जा रहा है, जो 50% डेली का कवर कर रहा है। विटामिन सी जो है वो 25 मिलीग्राम मिल रहा है, जो 63% जो है डेली का कवर कर रहा है। विटामिन B5 जो है
1 मिलीग्राम मिल रहा है जो 20% डेली का कवर कर रहा है। तो हमें कौन कौन से विटामिन मिल जा रहे हैं, जो 5 एसेंशियल्स विटामिन हैं हमारे, विटामिन B1, B2, B12, विटामिन सी और विटामिन B5, है ना। बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, यहाँ पे देखो कैल्शियम तो 100 मिलीग्राम आपको मिल रहा है जो डेली का 30% कवर कर रहा है। मैग्नीशियम की बात करें तो 85 मिलीग्राम मिल रहा है जो 25% जो है कवर कर रहा है डेली का, आपका 25% रिक्वायरमेंट कवर कर दे रहा है। फॉस्फोरस जो है ये 20 मिलीग्राम आपको मिल रहा है, 3% ये कैरी कर रहा है। पोटेशियम 60 मिलीग्राम मिल रहा है, 2% ये डेली का डोज कवर कर दे रहा है। 185 मिलीग्राम मिल रहा है सोडियम, जो 9% जो है वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा आपके बॉडी में विटामिन कौन कौन से मिल रहे हैं इस पैकेट से और मिनरल्स कौन कौन से मिल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ICMR, WHO और FAO से जो है स्पेसिफाइड है, रिकमेंडेड डोजेज हैं, जो परसेंटेज है वो इनके से प्रूव्ड है कि कितना हमें डेली जो है मिलना चाहिए, उतना आपको ICMR, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इससे जो प्रूव्ड है वही डोजेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की, तो देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और जो हाईलाइटेड बोल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं वर्ड्स में उस पर आपको जरूर नजर डालना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंटेंट एडेड फ्लेवर जो है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग जो है आपको सब्सटेंसेस ऑरेंज फ्लेवर, आपको पहले ही मैंने बताया कि ऑरेंज फ्लेवर्ड का ये पैकेट है, तो ये आर्टिफिशियल जो है इसमें एडेड जो फ्लेवर्स हैं वो यूज किए जाते हैं, तो फ्लेवर इसमें रहता है। इसमें हम नीचे देखें तो देखिए बोल्ड फॉर्म में और भी चीजें दी हुई है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। नीचे देखो, कई लोग इसको पूछ रहे थे कि क्या हम बच्चों को दे सकते हैं, तो देखिए बच्चों को आपको नहीं देना है, यहाँ पर हाइलाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है सारी चीजें, है ना। इसमें सुक्रालोज है, आपको बच्चों को नहीं देना है, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, है ना। इसमें आपको ये जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है ये बच्चों को नहीं देना है, आप बच्चों को नेचुरल फॉर्म में ही जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, घर का ही खाना सारी चीज़ें खिलाएं, सप्लीमेंट के फॉर्म में दे आपको देना भी है तो आप डायनोशक दे सकते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह यूज़ किया गया है ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें नीचे भी आप देखोगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, यहाँ पर पूरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। नेट क्वान्टिटी यहाँ पर दी हुई है, मैंने आपको बताया 5 ग्राम की जो है पर पैकेट है, 20 पैकेट आपको देखने को मिल जाता है, टोटल 100 ग्राम हो जाएगा। MRP मैंने आपको बताई थी 1499 रुपीज है, यहाँ पर MRP इसलिए नहीं दी है क्योंकि चेंज होती रहती है, आगे बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, इसमें सारे टैक्सेस वगैरह इंक्लूड रहते हैं, फिर यहाँ पर लाइसेंस नंबर और सारी चीज़ें दी हुई है हर्बलाइफ के। यहाँ पर यदि हम देखें तो इंस्ट्रक्शन फॉर यूजेस दिया हुआ है, ये एक पैकेट जो है ये 5 ग्राम का है, इसको आप 500 ml वाटर में, मतलब आधा लीटर पानी में इसको आप ऐड करोगे और एक दिन में आप एक पैकेट यूज करोगे, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आप 500 ml वाटर लोगे नॉर्मल और उसमें इस पैकेट को नॉर्मल डालकर घोल कर पी लोगे, कभी भी आप पी सकते हो, जब भी आपके पास टाइम है आप इसको ऐड कर सकते हो, इससे आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल जो है वो कवर हो जाएंगे। आप इस पैकेट को जो है स्टोरेज इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ठंडी वाली जगह पर रखें, कभी भी इस चीज़ का ध्यान दें पैकेट को खुला ना रखें, मतलब ऐसा नहीं कि आपने काटा पैकेट को आधा अभी यूज़ किया आधा शाम को यूज़ करोगे, ऐसा नहीं करना, मॉइस्चर पकड़ लेते हैं। तो पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ रहती है तो आप उसको जो है यदि आपने उसको कट करके लिया हुआ है तो आप उसको फिर पूरा ही यूज़ कर लें। यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग टेस्टेड वगैरह के बारे में बताया हुआ है, पहले ही आपको बताया कि स्पोर्ट्स का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, 30 डेज मनी बैक गारंटी के नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जानते हैं हर्बलाइफ के ऑफिशियल आईडी से यदि आप बुला रहे हैं तो ही आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के 30 डेज मनी बैक गारंटी के अंडर आते हैं, यदि आपने कहीं बाहर से बुलाया हुआ है तो फिर आप इसके अंडर नहीं आएंगे। बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेगनेंट और लैक्टिंग वुमेन। यदि आपको ये चीज़ें देनी भी है प्रेगनेंट और लैक्टिंग वुमेन को तो एक बार अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही ये दें। और ये प्रोडक्ट जो है कोई भी बीमारी को डायग्नोज या क्योर और ट्रीटमेंट के लिए इसको नहीं लिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दो कि आपको कोई बीमारी है और आप हर बार ये सवाल पूछते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, तो बिल्कुल पहले आप टेस्ट कराओ, डॉक्टर से पूछो, कंसल्ट करने के बाद आपको लेना है, क्योंकि ये कोई भी बीमारी को जो है इसका डायग्नोज नहीं करता है, तो आप इस चीज़ को समझें। कोई भी यदि आपको सजेस्ट कर दे रहा है तो ऐसे ही आँख बंद करके ना ले लें,
चीजें लिखी हुई है बॉक्स पर, उसको रीड करें, उसके बाद ही उसकी बेसिस पर चलें, नहीं तो आप किसी पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही है। ये जितनी मैंने आपको डिटेल्स दी हुई है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ही द्वारा जो है प्रोवाइड की गई है, उसी को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने अभी S24 हाइड्रेट न्यूट्रिशन को आपको कवर किया हुआ है, इसका मैं पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे दूँ। S24 हाइड्रेट न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए यूज में हम लेते हैं, मतलब आपके क्योंकि इसमें विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कवर हो रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, नाम से आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको डिहाइड्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो रही है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप रनिंग कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस कर रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए हाइड्रेट न्यूट्रिशन हम लेते हैं। तो ये हाइड्रेट न्यूट्रिशन आप डेली जो है अपने जब भी आपको टाइम मिले आप एक 500 ml वाटर में आप इस पैकेट को, एक पैकेट को घोल कर पी सकते हैं, तो इसके बॉडी से आपकी जो भी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बता दिया, कितनी कैलोरीज, किलो कैलोरीज आपको मिलेगी, कौन कौन से विटामिन्स मिल रहे हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, इसके बारे में बता दिया। बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमेन्स को यदि आप दे रहे हो जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, टेस्ट कर लें, फिर ही उसको अपने न्यूट्रिशन में ऐड करें। साथ ही साथ फ्लेवर के लिए हमने बात करी थी, ऑरेंज फ्लेवर में आता है, वेजिटेरियंस क्या ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, वेजिटेरियन ही प्रोडक्ट है। दिन भर में एक ही पैकेट लेना है आपको। और रही बात कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं, इसको मैंने कवर कर दिया, MRP मैंने बता दी। डिस्काउंट प्राइस की हम बात करें तो आपकी जो ID बनी हुई है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की ऑफिशियल जो ID है उस पर आप जाओगे तो आपको डिस्काउंट परसेंट, जिस भी लेवल पर आपकी ID होगी उसमें आपके डिस्काउंट परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों होप आप लोग को हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के हाइड्रेट न्यूट्रिशन के बारे में सभी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई है, सारी डिटेल्स आपको समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही न्यूट्रिशन वीडियो को कवर करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।